चलो ये कहता है ये बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर थ्रू द 40 मीटर ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, मतलब लास्ट के 2 सेकेंड में जो है वो 40 मीटर चली है, समझना। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और ये डाउट में आता है बार 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 बार, बच्चे इसको डाउट लेके आते हैं, समझना इसको। लास्ट के 2 सेकेंड, अगर ये लास्ट के 2 सेकेंड है जिसमें डिस्टेंस ये 40 मीटर चली है ऐसा बताया जा रहा है, ए बॉडी ड्रॉप यहाँ यू इज इक्वल टू जीरो से हमने गिराया है और लास्ट के 2 सेकेंड ये वाले 40 मीटर चली है, तो हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट मान लो कैपिटल एच है, ये हमें निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस स्मॉल एच हो गया। तो एक्चुअली ये जो डिस्टेंस दिया है वो कैपिटल एच और माइनस स्मॉल एच 40 मीटर ये दिया गया है, कंडीशन दिया हुआ है, ये पूरा एच और उसमें से एच निकाल दोगे तो ये 40, ये कंडीशन। अब हमारा टारगेट है एच निकालना और ये इन दोनों को निकालते हैं, ठीक है, एच को निकालते हैं, स्मॉल एच को निकाल लें, ठीक है, चलो स्मॉल एच को निकाल लें। मान लो पहले कैपिटल एच निकाल लो टी के टर्म में, मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो टी है, तो कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए एक्सलेशन जी और ये टी का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 5, तो टी की स्क्वायर की मतलब 5h के इक्वल आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के इक्वल आ गया, क्लियर है। चलो तो अगर टी स्क्वायर 5 के इक्वल आ गया, अब यहां से देखो यहां यहां से यहां तक आने में टाइम, समझना इसको, यहां से यहां तक आने में टाइम टी लगा भाई, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा भाई, ये लास्ट के 2 सेकेंड है तो ये टी माइनस टू लगा होगा, टी माइनस टू लगा होगा भाई, यहां से यहां तक आने ये 10 सेकेंड लग गया, तो यहां से यहां तक आने का 8 सेकेंड लगा होगा, क्योंकि लास्ट 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट 40 है। तो जो स्मॉल एच की वैल्यू आ जाएगी वो हाफ जी टी माइनस टू का स्क्वायर आ जाएगा यार, टी माइनस टू का स्क्वायर आ जाएगा। यहां से हम लोगों को हाइट ऑफ द टावर निकालना ना, तो हाइट ऑफ टावर निकालना तो यहाँ से टाइम उठा के लेके आओ, तो ये आ जाएगा 5 और टी माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, तो 5 टी माइनस टू का स्क्वायर जो है, अब इन दोनों में को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ इन दोनों को उठा के वहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ से एच निकाले, एच की वैल्यू कितना था, एच की वैल्यू थी 5t² है, एच की वैल्यू ये सही नहीं है, टी 5h/5 आएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 5t² और स्मॉल एच की वैल्यू इतना है, ये दोनों वहाँ लाग रख दूँ तो एच की वैल्यू 5t² और माइनस ये वाला 5 और टी माइनस टू का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 40, यहाँ से हमें टाइम पता चल जाएगा, तो यह आ जाएगा 5t² और माइनस 5t का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस, और माइनस, ठीक है ना, 4 और ये 20 और ये माइनस, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा और 2, 4 और फिर है 20t दैट इज इक्वल टू 40, तो ये 5t ने 5t को ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो ये जो 20t है क्या कैलकुलेशन सही है, 20t इज इक्वल टू 60, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, इस पूरी जो जर्नी है, ठीक है, उसको यहाँ से यहाँ तक बॉल को आने में 3 सेकेंड लगा होगा, ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर यहाँ से निकाल लो, तो हाइट ऑफ द टावर यहाँ रख दोगे तो कैपिटल एच इज इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू 5 और टी का स्क्वायर 9, तो यह जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 45 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट 45 मीटर, मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है, चलो रे भैया।